नमस्कार दोस्तों। दोस्तों लीवर जो है वो शरीर का पावर हाउस होता है, जो शरीर के 500 से अधिक कामों को पूरा करने में मदद करता है। और ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, जो कि पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित है। लीवर की मदद से ब्लड से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर किया जाता है और ये पित्त नामक पाचक एंजाइम पैदा करता है और इसकी मदद से विटामिन और मिनरल भंडार होता है। इसके अलावा लीवर के कई अनगिनत फायदे होते हैं और ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या लीवर के बिना जीवन संभव हो सकता है? अगर लीवर ना हो तो क्या होगा? तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि लीवर के बिना जीवन संभव है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि क्या बिना लीवर जिया जा सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, बिना लीवर के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ लोग ऐसे लीवर के साथ जिंदा रह सकते हैं जो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन बिना इसके जीवन संभव नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जिंदा रहना इस बात पर निर्भर करता है कि लीवर कितना डैमेज हुआ है और इसका कारण क्या है और व्यक्ति का संपूर्ण हेल्थ कैसा है। 2017 में हुए एक स्टडी के मुताबिक नॉन अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज एक सामान्य लीवर डिजीज है और इस लीवर डिजीज की वजह से लाइफ की औसतन आयु 4 वर्ष कम हो सकती है। और इसके विपरीत लीवर सिरोसिस गंभीर लीवर डिजीज व्यक्ति के जीने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करता है। दोस्तों लीवर डैमेज होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि व्यक्ति का लीवर फेल हो गया है। किसी भी व्यक्ति का लीवर तब फेल होता है जब लीवर पूरी तरह से कार्य करना बंद कर दें। लीवर फेल होने पर व्यक्ति आमतौर पर बिना इलाज के 1 से 2 दिन तक ही जीवित रह सकता है। दोस्तों बात की जाए कि लीवर का काम क्या होता है, तो लीवर शरीर का काफ़ी बड़ा और गहरे लाल रंग का अंग होता है और ये पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। लीवर मुख्य रूप से खाने को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करता है और इसके अलावा शरीर के कई कार्य पूरा करने में लीवर मददगार होता है, जैसे कि पित्त का उत्पादन। तो पित्त ऐसा पदार्थ है जो कि शरीर को पोषक तत्वों मुख्य रूप से फैट को अवशोषित करने और तोड़ने में मदद करता है और ये शरीर को हानिकारक तत्वों से छुटकारा दिलाने में भी मददगार होता है। साथ ही साथ विटामिन के मेटाबॉलिज्म में ये मदद करता है। लीवर विटामिन ई और विटामिन ए जैसे घुलनशील पोषक तत्वों का मेटाबॉलाइजिंग और भंडारण करने में मददगार हो सकता है। साथ ही साथ बात की जाए डिटॉक्सिफिकेशन की, तो शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में लीवर मददगार होता है। इसके अलावा ये शरीर में मौजूद शराब और ड्रग्स वगैरह को तोड़ने में मदद कर सकता है। और बात की जाए बिलीरुबिन को मेटाबोलाइज करने की, तो लीवर हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीम को बिलीवर्डिन नामक हरे रंग के यौगिक में परिवर्तित करके फिर उसे बिलीरुबिन नामक एक पीले लाल यौगिक में परिवर्तित करता है। लीवर फेल होने पर या फिर लीवर डिजीज होने पर शरीर में अतिरिक्त बिलीरुबिन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन पीली नजर आती है, जिसे कि हम पीलिया कहते हैं। साथ ही साथ ये शरीर के अन्य कार्य में भी मददगार होता है। लीवर शरीर के अन्य कार्यों को भी प्रभावित करता है, जैसे कि ये थायराइड हार्मोन को संतुलित करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, रेड ब्लड सेल्स का टूटना वगैरह लीवर पर निर्भर करता है। ऐसे में जब लीवर शरीर में ठीक तरह से कार्य नहीं करता है तो विषाक्त पदार्थ रक्त में जमा हो सकते हैं और इस स्थिति में शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। लीवर डिजीज से ग्रसित व्यक्ति को कुछ पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषित करने में परेशानी होती है और इसके अतिरिक्त शरीर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ने से ब्लड फ्लो में भी समस्या उत्पन्न होती है। लीवर डिजीज के कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी और मटली, पीलिया जिसमें कि स्किन, आंखें और नाखून पीले नजर आना, शारीरिक ऊर्जा में कमी, डिहाइड्रेशन और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होना। तो दोस्तों लीवर के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। हालांकि लीवर सही तरीके से कार्य न करे तो समय पर इसका इलाज करा कर व्यक्ति को स्वस्थ रखा जा सकता है, लेकिन अगर लीवर पूरी तरह से फेल हो जाए तो व्यक्ति को बिना इलाज के 1 से 2 दिन से अधिक जीवित नहीं रखा जा सकता। और ऐसे में अगर लीवर डिजीज के लक्षण नजर आए तो तुरंत एक्सपर्ट से सलाह लें ताकि समय पर इलाज किया जा सके और लीवर फेलियर के जोखिमों को कम किया जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।